हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो लेक्चर है पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में है। तो हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग आज शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब, आज पीएलसी प्रोग्रामिंग कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। लास्ट टाइम मैंने जो स्टार्ट किया था वो पीएलसी प्रोग्राम के गेट्स करवाए थे मैंने। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कुछ प्रोग्राम्स करने को मिलेंगे, जिससे हम एक स्टेप और बढ़ जाएंगे प्रोग्रामिंग की तरफ। तो हम लोग एक बेसिक स्टेप लेते जाएंगे, तो हम लोग प्रोग्राम को बनाना सीख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हेन इनपुट ए इज स्विच्ड ऑन देन आउटपुट ए बी सी गेट्स ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इनपुट है ए और आउटपुट है तीन ए बी सी। तो इसमें पहले तो हमने देखना है कि इनपुट्स और आउटपुट्स कितने हैं। तो इनपुट हमारे पास एक इनपुट है और आउटपुट्स हैं तीन ए बी सी। तो हम लोग अभी इसको प्रोग्राम में बनाते हैं। ये लिए हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन है। ये अगर कैसे ओपन करते हैं वो सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास एक इनपुट एक है, तो दिस इज़ इनपुट ओके, एंड वी नीड थ्री आउटपुट। तो तीन आउटपुट चाहिए हमें। तो ये आउटपुट पैरेलल में बना लेंगे हम तीनों। मैंने आपको बताया था कि जो आउटपुट्स हैं वो सीरीज़ में नहीं लगते हैं, पैरेलल में ही लगते हैं। एक से ज़्यादा आउटपुट अगर लाना चाहते हैं तो आप पैरेलल में लगा सकते हैं या अलग अलग रंग में हो, है ना। तो ये हम लोग तीन आउटपुट्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीसरा आउटपुट आ गया ओके। नाउ दिस इज़ इनपुट एड्रेसिंग, आपको पता ही है, फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/0 ओके, इन स्लॉट नंबर डॉट वर्ड नंबर स्लैश बिट नंबर। इसको आप नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं ओके। तो यहाँ पे आप नाम नेमिंग कर सकते हैं। सपोज़ इनपुट ए है तो ए डाल दिया मैंने ओके। एंड नाउ ऐसे आउटपुट के लिए O0:0.0/0, पहली जीरो नंबर बिट है तो इसको हम लोग इनपुट, चलो आउटपुट वन दे देते हैं। ये आउटपुट हमारी वन हो गई ओके। सेकेंड पे आते हैं हम लोग, तो सेकेंड सिमिलरली सेकेंड है फाइल टाइप फाइल नेम हो, फाइल टाइप हो फाइल नेम 0:0 स्लॉट नंबर डॉट वर्ड नंबर स्लैश बिट नंबर आ जाएगा 1 ओके। तो यहाँ पे सेकंड आउटपुट है ओके। फिर सिमिलरली थर्ड पे चले गए आप, O0:0.0/2, तो इसको हमने 3 डाल दिया तो ये तीन हो गए हमारे पास, तीन हो गए। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को और डाउनलोड कर लेते हैं ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम, सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं इसको, इसको डाउनलोड कर लेते हैं सिंपल। ये गो ऑनलाइन, यहाँ से आप रन मोड पे चले जाइए तो आपका ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया ओके। तो हम लोग एक बार दोबारा प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम था हमारा, एक मिनट है, ये प्रोग्राम है। व्हेन इनपुट ए इज स्विच्ड ऑन देन आउटपुट ए बी सी गेट्स ऑन, मतलब कि जब एक इनपुट है हम उसको ऑन करेंगे तो तीन आउटपुट हमारी ऑन होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, कंडीशन को हम लोग कंडीशन कह सकते हैं, ये हमारी कंडीशन है। तो इसका हमको एक प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग इस प्रोग्राम पे चलते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो ये हमारी, मैंने एक इनपुट बनाई है। अब इसको हम फोर्स ऑन करते हैं, ये फोर्स ऑन किया हमने तो आपके तीनों आउटपुट ऑन हो गई ओके। फोर्स ऑफ करने पर तीनों ऑफ हो जाएंगी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है बन गया है, दिस इज़ द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया है, इसको गो ऑफलाइन कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी इज स्विच्ड ऑन आउटपुट ए बी गेट्स ऑन। अब इसमें दो इनपुट है ए एंड बी। अब यहाँ पे एंड यू वर्ड यूज़ किया है मैंने, ए एंड डी एंड एंड किया है मैंने, क्योंकि हम लोग हमने लास्ट जो किए हैं गेट्स किए हैं ठीक है ना। तो गेट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसमें, तो एंड गेट है
एंड गेट का मतलब होता है सीरीज, इफ इनपुट व्हेन इनपुट ए एंड बी इज स्विच्ड ऑन, बल्कि दोनों सीरीज में है, जब दोनों को ऑन करें तो आउटपुट आपकी ए बी दो आउटपुट्स हैं और दोनों ऑन हो जाए, मतलब इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। तो हम लोग चलो प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट सीरीज में बनानी है हमने, क्योंकि एज अ क्वेश्चन उस पर लिखा है इनपुट ए एंड इनपुट बी। तो आई वन कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश वन, ओके, तो ये आपके पास इनपुट हो गया बी। तो इनपुट ए एंड बी बोथ आर स्विच्ड ऑन, तो आउटपुट आपकी दो हैं ए और बी, तो दोनों ऑन हो जाने चाहिए। तो दो आउटपुट्स को ऑन करने के लिए अब हम लोग कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम और डाउनलोड कर लेते हैं प्रोग्राम को। इट्स वेरी इजी, अगर आप जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे तो आपको ईजिली आपको प्रोग्राम बनाना आ जाएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाई स्टेप चलते रहिए। पहले गेट्स कीजिए, गेट समझ आ जाएगा आपको, फिर आप ये क्वेश्चन ईजीली कर सकते हैं। फोर्स ऑन करते हैं फर्स्ट को, एंड एंड है तो सीरीज में, तो सेकंड दूसरा, तो अगर एक के बाद दूसरा करेंगे तो आपके दोनों आउटपुट्स ऑन हो गए। तो ये हमारे पास सेकंड प्रोग्राम था, व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी आर स्विच्ड ऑन आउटपुट ए बी गेट्स ऑन। अब इनको ऑफ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक दूसरा प्रोग्राम है जो हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हेन इनपुट ए और इनपुट बी गेट्स ऑन देन आउटपुट ए बी गेट्स ऑन। इनपुट ए और, यहाँ पे स्पेशल लिखा है और, मैंने हाईलाइट किया है और का मतलब है आपको पैरेलल में, इनपुट ए और इनपुट जो बी है, इनपुट ए और इनपुट बी, मतलब या तो इनपुट ए या इनपुट बी ऑन होने पे आउटपुट ए बी आपकी ऑन हो रही है। तो इसको प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इनपुट ए और मीनिंग पैरेलल, तो मैंने जो गेट्स किए थे आप उस वीडियो ट्यूटोरियल को रेफर कर सकते हैं। तो इनपुट ए और इनपुट बी इज स्विच्ड ऑन, तो अब हम लोग दो इनपुट्स मैंने ले लिए हैं, तो इनको मैं करता हूँ। देखिए अब डाउनलोड किया मैंने इसको प्रोग्राम को, यस यस एंड रन, ये सॉरी इसको रन करना है हमको, ये रन कर लिया, ओके। तो रन करने के बाद इनपुट ए को आप ऑन कीजिए, तब भी दोनों आउटपुट ऑन हो जा रही हैं, और इनपुट बी, ओके, तो या तो आप इनपुट ए को या इनपुट बी को, दोनों में से किसी को ऑन करेंगे तो आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारा सही प्रोग्राम है। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज़ अ फोर्थ प्रोग्राम, और उस पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी, देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई है इसमें, इनपुट ए एंड इनपुट बी मीन्स इनपुट ए और इनपुट बी जो है वो सीरीज में है, और इनपुट सी गेट्स ऑन देन आउटपुट ए गेट्स ऑन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि या तो इनपुट ए एंड इनपुट बी ऑन हो तो आउटपुट ए ऑन होगी, और इनपुट सी ऑन हो, या अकेला इनपुट सी हो उससे आउटपुट ऑन हो जाएगी, ओके। तो हमारे पास टोटल तीन इनपुट्स हैं इसमें और एक आउटपुट है, ओके। तो प्रोग्राम में चलते हैं। तो इनपुट ए एंड इनपुट बी, तो ये इनपुट ए एंड है तो सीरीज में, इनपुट ए एंड इनपुट बी ऑन हो तो आउटपुट एक है हमारी, तो एक डिलीट कर देते हैं। तो इनपुट ए एंड इनपुट बी दोनों सीरीज में है, ऑन होंगी तो आउटपुट ऑन होगी, या फिर इनपुट सी और इनपुट सी, तो एक इनपुट और बना लेते हैं, आई वन कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश टू, तो इसका नाम देते हैं सी, सिंपल। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, अगर इनपुट ए एंड इनपुट बी को ऑन करें तो आउटपुट ऑन हो जाएगी, या हम इनपुट सी को ऑन करें तो आउटपुट ऑन हो जाएगी, ओके। देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। इतना डिटेल में आपको कोई पीएलसी के बारे में नॉलेज नहीं देगा प्रोग्रामिंग के बारे में, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनपुट ए ऑन किया, इनपुट बी ऑन किया, तो आपकी आउटपुट ऑन हो गई, ओके। अच्छा, इन दोनों को हम ऑफ कर लेते हैं। इनपुट ए और बी के पैरेलल में है इनपुट सी, मतलब कि और में है, या हम इसको ऑन करेंगे तो भी आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सही कंडीशन है। तो ये हमारा प्रोग्राम भी हो गया। तो ये था हमारा, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन इनपुट ए और इनपुट बी, इनपुट ए और इनपुट बी, या इनपुट ए या इनपुट बी ऑन हो, एंड इनपुट सी गेट्स ऑन देन आउटपुट ए गेट्स ऑन, मतलब कि या तो इनपुट ए
और बी में से कोई भी ऑन हो और साथ में इनपुट सी ऑन हो तो आउटपुट आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इनपुट ए और इनपुट बी, मतलब कि इनपुट और इनपुट बी जो है पैरेलल में है, एंड इनपुट सी और इनपुट सी जो है सीरीज में। तो इनपुट ए और इनपुट बी पैरेलल में, एंड इनपुट सी, इन दोनों में से कोई ऑन होगा और सी ऑन होगा तो आपकी आउटपुट ऑन होगी। तो इसको हम लोग एक डाउनलोड करके चेक करके देखते हैं क्या हमारा ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको पैरेलल सीरीज का ये फंडा सिखाने के लिए ही मैंने ये प्रोग्राम कुछ बनाए हैं, ताकि आप गेट्स जो आपने सीखे हैं उसको आप अप्लाई कर सकें। इनपुट ए को ऑन किया मैंने एंड इनपुट सी को ऑन किया तो आपकी आउटपुट ऑन हो गई। ओके सॉरी, इसको ये कुछ और ओपन हो गया। इनपुट ऑन किया तो आपकी आउटपुट ऑन हो गई। इनपुट ए को आप ऑफ कर देते हैं तो इनपुट बी को ऑन कर लीजिए एंड इनपुट सी, तब भी आपकी आउटपुट ऑन है। ठीक है ना, तो मतलब ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 5। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ऑफलाइन चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी, इनपुट ए एंड इनपुट बी मतलब कि इनपुट ए और बी सीरीज में, और मतलब पैरेलल, इनपुट सी एंड इनपुट डी गेट्स ऑन, मतलब कि इनपुट ए एंड बी ऑन हो जाए या फिर इनपुट सी और इनपुट डी ऑन हो जाए तो आउटपुट ए बी सी गेट्स ऑन। यहाँ पे 3 आउटपुट्स हैं, ठीक है ना, और हमारे इनपुट्स हैं 4। ओके, तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम में। अब इनपुट ए एंड इनपुट बी, एंड है तो सीरीज में लगेगा। ओके, इनपुट ए एंड इनपुट बी, और मतलब ये पैरेलल आ गया आपके पास। इनपुट सी एंड इनपुट डी, मतलब कि एक इनपुट हमको और बनानी है। तो फाइल टाइप आई, फाइल नेम 1, कॉलन स्लॉट नंबर 0, डॉट वन नंबर 0, स्लैश बिट नंबर 3 आ गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसका नाम, नेमिंग डी कर सकते हैं। ओके, तो आपके आपके आ गया ये ए एंड बी, और मीन्स पैरेलल सी एंड डी। तो आपकी आउटपुट्स यहाँ 3 हैं, तो हम लोग आप 3 आउटपुट्स ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं 3 आउटपुट्स। ये आपको आता ही है लेना पैरेलल में, ये सब आप मेरे पहले ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं कि पैरेलल में कैसा बनाया जाता है, सीरीज़ में कैसे लेते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये मैं आपकी आउटपुट्स को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, फाइल टाइप इज़ ओ, फाइल नेम इज़ 0, कॉलन 0.0, स्लैश 1.2 आ गया इसका एड्रेस, ओ 0, कॉलन 0.0, स्लैश 2 एड्रेस आ गया 3। ओके, ठीक है जी, ये आ गया आपका नेमिंग। अब इसको हम लोग डाउनलोड करके चला के देखते हैं। यस यस, और इसको हमने रन कर लिया। ओके, इनपुट ए एंड इनपुट बी दोनों को ऑन करें तो आपकी आउटपुट 3 ऑन हो गई, है ना, या फिर इनको ऑफ कर देते हैं। इनपुट सी एंड इनपुट डी, बल्कि इन सी और डी में से किसी को ऑन करने तभी आपकी आउटपुट इन आउटपुट्स ऑन हो रही हैं। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम है। तो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि सीरीज पैरेलल का कैसे फंडा है। तो आपको जो कंडीशन है उसको जज करना है, कैसे जज करना है, आपको इस क्वेश्चन से कुछ समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इनपुट ए और इनपुट बी और इनपुट सी, मतलब कि यहाँ तीनों इनपुट क्या हैं और मतलब पैरेलल में, इनपुट ए और इनपुट बी और इनपुट सी एंड सीरीज में है, इनपुट डी और इनपुट ई, मतलब कि 3 पैरेलल में, फिर एक सीरीज में, फिर 2 पैरेलल में, ठीक है ना, देन आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो इसको करते हैं हम लोग, इनपुट ए और इनपुट बी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, इसको भी बाहर निकाल देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, है ना। इनपुट ए और इनपुट बी, मतलब कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, और इनपुट सी, तो मतलब कि सी भी पैरेलल में है, तो ये सी भी यहाँ पे हम लोग पैरेलल में डाल लेते हैं। उसको उठा के मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, आप नया इनपुट लेके भी उसको एड्रेसिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट ए और इनपुट बी और इनपुट सी
एंड एंड इनपुट डी और में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपका और इनपुट ई, इनपुट ई आपका आ गया आई वन कॉलन 0.0/4, तो यहाँ पे आप एड्रेसिंग दे सकते हैं ई, तो इनपुट ई आ गया आपका। तो इसको ऑन करने पे आपकी आउटपुट्स चेक करें कितनी है, आउटपुट आउटपुट्स आउटपुट ए गेट्स ऑन, तो आउटपुट ए की है, तो बाकी दो को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल है आई थिंक, आपको पैरेलल सीरीज का फंडा कुछ समझ आ रहा होगा। ओके, तो इनपुट ए ऑन किया, इन तीनों में से कोई भी एक ऑन कर सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक ऑन कर सकते हैं। सपोज इसके साथ मैं डी को ऑन कर लेता हूँ तो आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। ओके, अच्छा डी को छोड़ देते हैं, अगर डी को ऑफ कर देते हैं तो इनपुट डी और ई, ठीक है ना, इनपुट डी और ई में से कोई भी ऑन करेंगे आप तो ऑन हो जाएगा। ओके, अच्छा आप ए को छोड़ देते हैं, ए की जगह किसी और को ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पैरेलल में है, तो बी को ऑन कर लेते हैं, बी के साथ भी ऑन हो रहा है। ओके, आप इसको ऑफ करके इसको चेक कर लेते हैं, सी को, सी के साथ भी ऑन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा सी को डी के साथ चेक कर लेते हैं, सी और डी को चेक कर लेते हैं तब भी ऑन हो रहा है, तो हमारा कंडीशन सही है, तो हमारा ये प्रोग्राम सही है। आई थिंक आई होप यू आर गेटिंग द प्रोग्राम कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। और ये है क्वेश्चन 7, तो ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी कवर किए हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप है ये प्रोग्रामिंग का। गेट्स के बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो एटलीस्ट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं प्रोग्राम बनाना सीख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं अभी इस वीडियो में नहीं लूँगा, ये बड़ा हो जाएगा बहुत, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 पे ही एंड करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप एक बार देख लीजिए, अगर आप खुद बना सकते हैं तो डेफिनेटली बनाइए, ट्राई कीजिए। ओके, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, और प्रैक्टिस करती रहिए, ट्राई करती रहिए, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और मेरा नंबर भी होता है तो मेरा नंबर भी व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, तो उस पर आप एक बार जाके कोई अगर आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।